Hello students, I am Rajesh Shobhya from Chobhya English Grammar. आज के वीडियो में हम place of noun in a sentence. एक sentence में noun के कौन-कौन से place होते हैं, किन-किन स्थानों पर noun का हम प्रयोग करते हैं. पिछले वीडियो में हमने आपको nouns के बारे में बताया था कि noun क्या होते हैं. अब हम बता रहे हैं कि एक sentence में noun कितने स्थानों पर आता है. देखिए, पहला आएगा सब्जेक्ट टू दी वर्ब. किसी वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का ही प्रयोग होगा. जैसे मोहन रीड्स ए बुक. यहां इस रीड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मोहन. इसका डूअर कौन है? मोहन. तो मोहन क्या है? ये नाउन है. हम जानते हैं मोहन प्रॉपर नाउन है. यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नाउन का ही प्रयोग करेंगे. जैसे सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. यहां पर वर्ब कौन है? इस वर्ब किसके बारे में बता रही है? सीता के बारे में. सीता क्या है? ये भी नाउन. रीडिंग इज ए गुड हैबिट. गुड हैबिट इज वर्ब है. गुड हैबिट क्या है? रीडिंग क्या है? यहां पर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है. यहां पर ये जीरण के रूप में है और ये भी क्या है? नाउन. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला शब्द क्या होता है? नाउन होता है. पहले सेंटेंस में मोहन, दूसरे सेंटेंस में सीता और तीसरे सेंटेंस में रीडिंग. इसी तरह से हम कह सकते हैं टू वर्क इज ए सोर्स ऑफ सक्सेस. कार्य करना सफलता का स्रोत है. टू वर्क ये इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट के रूप में क्या है? टू वर्क. वो टू वर्क क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इन्फिनिटिव के रूप में नाउन हो जाएगा. तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी शब्द आएगा वो नाउन होगा. दूसरा ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब. दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब. ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब. किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हम नाउन का प्रयोग करते हैं. जैसे माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल. माई ब्रदर एक्शन कर रहा है खेलने का एक्शन किस पर हो रहा है? फुटबॉल. ये फुटबॉल क्या है? ये एक नाउन है. ऑब्जेक्ट के रूप में ये इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? हमेशा नाउन का होता है. आई वॉन्ट टू स्लीप. मैं चाहता हूं. क्या चाहता हूं? टू स्लीप. इन्फिनिटिव है पर ये वांट क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर आने के कारण ये इन्फिनिटिव के रूप में नाउन होता है. ठीक है. ही गेव मी ए पेन. अब यहां पर वर्ब क्या हो रही है? देने की क्रिया हो रही है. देने की क्रिया किसको हो रही है? मी को हो रही है. और क्या हो रही है? पेन. ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये दोनों ही क्या है? नाउन. यहां पर क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आता है तो ये भी एक तरह से, या यहां पर हम मी की जगह कर लेते हैं मुकेश. चलिए यहां पर देख लीजिए मुकेश क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. ही गेव मुकेश ए पेन. ये मुकेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये नाउन. तो ऑब्जेक्ट भी नाउन का ही कार्य करता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन ही आता है.
तो दोनों हमने देखा, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तीसरा हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तीसरा कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, हालांकि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है, पर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट और नाउन कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे होता है, वर्ब से होता है, पर जो नाउन कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन का ही कार्य करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा इज माय टीचर, यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा, मिस्टर शर्मा, ये इज वर्ब है, ये इज की का कॉम्प्लीमेंट क्या है, माय टीचर। यहां पर टीचर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में होगा। जैसे द बॉय इज रीडिंग, बच्चा लड़का पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, इन दी रीडिंग इन दी क्लास, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ये कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आया, यहां पर नाउन के रूप में, क्लास क्या हो गई, नाउन। राधा इज ए सिंगर, राधा इज ए सिंगर, राधा है, ये इस वर्ब में क्या है, ए सिंगर, ए सिंगर क्या होगा, नाउन होगा। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, जो राधा को ही व्यक्त कर रहा है, राधा के को ही का ही एक दूसरा रूप है, तो ये क्या होगा, ये नाउन के रूप में, यानी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट गाउंड बाय पोजिशन, प्रीपोजिशन, गाउंड बाय प्रीपोजिशन, गाउंड बाय प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद चाहे जीरण के रूप में आए चाहे नाउन के रूप में आए। जैसे आफ्टर रीडिंग आई स्लेप्ट, पढ़ने के बाद, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, रीडिंग, रीडिंग क्या होगा, जीरण, और ये जीरण के रूप में क्या होगा, ये नाउन होगा। ठीक है, ही इनवाइटेड me on his birthday, on his birthday, ये on preposition है, on preposition के बाद क्या है, birthday, birthday क्या होगा, noun, preposition के बाद आने वाला सब noun होता है। अभी जब हम noun की classification से noun के बारे में और बताएंगे तो और भी हम बताएंगे कि noun को पहचानने के और कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे shortcut में बता दो, ये his, his क्या है, ये adjective, adjective है, यानी possessive adjective, ये possessive adjective है, adjective के बाद आने वाला शब्द भी noun होता है, determiner के बाद आने वाला शब्द भी noun होता है। पांचवा हम लेते हैं case in opposition, case in opposition, case in opposition क्या होता है, जब किसी noun का दूसरा रूप उस noun के साथ ही रखें, उसे हम कहते हैं case in opposition। जैसे राम हमारा, यानी आपकी क्लास का जो मॉनिटर है उसका नाम है राम, आप ये कहें राम अवर मॉनिटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम और अवर मॉनिटर दोनों एक आदमी है। जैसे राम कमा अवर मॉनिटर इज ए गुड बॉय, यहां पर देखिए राम, राम इज ए गुड बॉय,
और अवर मॉनिटर इज ए गुड बॉय, दोनों की यदि इन दोनों को हम अलग अलग कर दें, राम को अलग कर दें और मॉनिटर को अलग कर दें, तो इन दोनों की क्रिया यही है। पर यहां पर क्या होगा, राम और अवर मॉनिटर दोनों एक दूसरे को ही व्यक्त कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ रखा है, तो ये क्या होता है केस इन अपोजिशन, और केस इन अपोजिशन के स्थान पर ये आने वाला ये भी कौन है, नाउन ही है। जैसे सौरभ कॉमा अवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब देखिए किसने 50 रन्स किसने बनाए, सौरभ कहे या अवर कैप्टन कहे, दोनों एक ही आदमी है, तो दोनों एक ही आदमी है, तो ये दोनों एक दूसरे को व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आया, तो केस इन अपोजिशन आया, केस इन अपोजिशन क्या होगा, नाउन होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और जितना आप इसका अध्ययन करेंगे आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें और लाइक करें, इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी स्टूडेंट्स के पास भेजें। अगले वीडियो तक नमस्कार।